गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट ISI का ट्वीट लग रहा है। कांग्रेस की आदत सी हो गई है शहीदों की शहादत पर तंज कसने और उनके मनोबल तोड़ने वाले बयान देने की। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह का ट्वीट ISI का ट्वीट लग रहा है। भारत माता की सेवा कर अपने प्राणों का बलिदान देने वालों पर भी दिग्विजय सिंह तंज कसने से नहीं चूकते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत सी हो गई है सेना पर इस प्रकार के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। वहीं मिश्रा ने कमलनाथ के संविधान वाले बयान को लेकर कहा कि मैंने उनका बयान सुना और लगता है कि कमलनाथ ने इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की गलती को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, कांग्रेस को तो संविधान के हिसाब से नहीं चलना है। श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह जी ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे ISI की किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राण पण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। संविधान के हिसाब से देश चलेगा वाला बयान माननीय कमलनाथ जी का सुना, उन्होंने लगता है माननीय इंदिरा गांधी जी की जो इमरजेंसी लगाई गई थी देश में 1975 में, उस गलती को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस के उनके साथ ही जरूर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस को संविधान के कांग्रेस के हिसाब से नहीं चला रहे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।